हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कैटलिस्ट सोनी एंड दिस इज सोनी सिंह। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए जो वीडियो लेकर के आई हूँ, एक्चुअली मैं जैसे कि आप जानते हो, आप लोगों का जो है एग्ज़ाम आ रहा है और एग्ज़ाम में मैक्सिमम जगह यही बोला जा रहा है कि जो है आप लोगों का जो एग्ज़ाम होगा वो ऑब्जेक्टिव होगा, एमसीक्यूज होगा या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। तो मैं अब आप लोगों को जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देना भी स्टार्ट कर रही हूँ। आज मैं आप लोगों को जो है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का जो है 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आई हूँ, जिसको हम लोग अच्छे से डील करेंगे, समझेंगे कि ये क्वेश्चन जो है कहाँ से निकल कर आया है। और एक्चुअली मैं हमेशा आप लोग को यही सजेस्ट करती हूँ कि आप लोग को चाहे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, क्वेश्चन पेपर आए या एग्ज़ाम हो, लेकिन आपको प्रिपरेशन जो है हमेशा सब्जेक्टिव करना चाहिए। तो मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन डील करते टाइम में भी आपको ये बताऊँगी कि ये क्वेश्चन जो है कहाँ से आया है। अगर आप सब्जेक्टिव किए हुए रहेंगे तो इस तरह के क्वेश्चन आपको छूटेंगे नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए। बीएड फर्स्ट ईयर क्लास 4 बजे इवनिंग में हमारे चैनल पर कंडक्ट करवाया जाता है, साथ ही साथ हम पेड क्लास भी आपको प्रोवाइड करते हैं। आज हम देखेंगे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऑफ चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। सबसे पहला क्वेश्चन जो आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं वो है, विकास में वृद्धि से तात्पर्य क्या है। क्या है फ्रेंड्स कि विकास में वृद्धि से तात्पर्य क्या है, मतलब कि डेवलपमेंट जो होता है उसमें ग्रोथ का क्या मतलब होता है, ग्रोथ से क्या मतलब होता है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, ये सबसे फर्स्ट चैप्टर है डेवलपमेंट एंड ग्रोथ का। मैंने आपको बताया था कि ग्रोथ जो है, वृद्धि जो है, विकास के शारीरिक पक्ष से जो है वो डील करती है, मतलब कि जो फिजिकल एस्पेक्ट होता है वो वृद्धि के तौर पर देखा जाता है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शंस हैं ज्ञान में वृद्धि, संवेग में वृद्धि, वजन में वृद्धि, या चौथा नंबर है आकार, सोच, समझ या कौशलों में वृद्धि। तो ऑफ कोर्स आकार, हमारा जो फिजिकल डेवलपमेंट होता है उसमें हम वृद्धि को लेते हैं, तो आकार बढ़ेगा, सोच बढ़ेगा, समझ बढ़ेगा, तो उसमें हमारा जो है वो आएगा। तो इसका आंसर नंबर डी हो गया और ये हमारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से आया हुआ है। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का अगर आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो ये क्वेश्चन आप कर लोगे। तो इसका आंसर आपका कौन सा हो जा रहा है, डी नंबर होगा इसका आंसर, टिक कर लीजिएगा, इसका आंसर डी नंबर हो रहा है। दूसरा हमारा आ रहा है क्वेश्चन है, तनाव और क्रोध की अवस्था है। हम आप जैसे कि जानते हैं कि चाइल्डहुड में जो है 4 अवस्थाएं बताई गई है, जो बच्चे का विकास होता है, जो ह्यूमन डेवलपमेंट होता है, उसमें 4 अवस्थाएं बताई गई जो हमें एजुकेशन के दृष्टि से जो है पढ़ना है। पहला है शैशव अवस्था, बाल्य अवस्था, और बाल्य अवस्था में 2 है, एक जो है बाल्य अवस्था में पूर्व बाल्य अवस्था है, फिर उत्तर बाल्य अवस्था है, फिर किशोरावस्था, ये 4 हमें पढ़ने हैं। ऐसे आपका प्रौढ़ावस्था एंड वृद्धावस्था भी आता है। तो ये जो 4 अवस्थाएं हैं जिनको हमको पढ़ना है, इनमें से पूछा ये जा रहा है क्वेश्चन है, तनाव और क्रोध की अवस्था किसको बोलते हैं। तो जैसे एक दो अगर आपको सेंटेंस याद हो कि किशोरावस्था को जो है तनाव की अवस्था कहा जाता है, तूफान की अवस्था कहा जाता है, तो उस तरह से आप समझ जाओगे कि अच्छा भाई ये तो हमारा जो क्वेश्चन है किशोरावस्था के बारे में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, किशोरावस्था। ठीक है, इसका आंसर हो गया सी नंबर, किशोरावस्था। थर्ड नंबर क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, बालक का विकास परिणाम है, जो बच्चे का डेवलपमेंट होता है वो किस चीज का रिजल्ट है। तो याद ये हमेशा रखिएगा, बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो हेरिडिटी यानी वंशानुक्रम और वातावरण दोनों के मिक्सअप से बनता है। यहाँ पे ऑप्शंस में आपको दिख रहे होंगे, वंशानुक्रम, वातावरण, और या फिर वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया, जो दोनों के बीच में इंटरेक्शन होता है वो, या डी नंबर है आर्थिक कारक। तो इसमें से कौन सा होगा, ये हमने पढ़ा है कि जो विकास है, जो बच्चे का विकास है, उसमें जो है हेरिडिटी का भी उतना ही रोल होता है, वंशानुक्रम का भी, माता पिता से भी हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलती हैं जो हमारे विकास में जो बोल सकते हैं या तो आगे बढ़ाती है या तो उसमें बाधा बनती है, और हमारा वातावरण से, तो ऑफकोर्स वातावरण, जिस भी इन्वायरमेंट में हम जन्म लेते हैं उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर देखने को मिलता है। तो ये हम बोल सकते हैं कि हेरिडिटी एंड वातावरण दोनों का इंटरेक्शन है, राइट, ये हमने पढ़ा हुआ भी है। तो ये आपका हो जाएगा सी नंबर, इसका भी आंसर क्या हो गया, सी नंबर, 3 का। 4 नंबर देखिए, शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि हमारा जो फिजिकल एस्पेक्ट होता है इसमें, इसके आकार में, इसके साइज में चेंजेस होता है, क्यों होता है,
क्या ये संवेगात्मक विकास की वजह से होता है, संज्ञानात्मक विकास की वजह से या नैतिक विकास की वजह से? तो भाई इससे तो कोई इसका मतलब ही नहीं है। अगर शारीरिक विकास हो रहा है तो ये शारीरिक शरीर से ही हमारा रिलेटेड होगा, तो ये शारीरिक और गत्यात्मक विकास से रिलेट होगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर। ठीक है, फोर्थ का नंबर क्या हो गया, 1। फिफ्थ नंबर है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है। जो पियाजे ने 4 स्टेजेस बताए हैं बच्चे के विकास में, पियाजे को ही जो है बच्चे के बारे में जो चाइल्ड साइकोलॉजी है या चाइल्ड के बारे में जो इतना खोज किया उन्होंने, उन्हीं को उसका जनक बताया जाता है। तो पियाजे ने जो है बोला है कि हर एक इंसान में, हर एक बच्चे के जो विकास की अवस्था होती है, इसमें 4 अवस्थाएं आती है, 4 फेजेस आते हैं, 4 स्टेजेस आते हैं, जिससे कि बच्चा गुजर कर निकलता है। उसमें कौन कौन से हैं? तो पियाजे का पहला जो इसमें क्वेश्चन किया जा रहा है कि संवेदी क्रियात्मक, यानी जो सबसे पहले सेंसरी मोटर स्टेज जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में, सेंसरी मोटर स्टेज का एज क्या है? मैं हमेशा से पियाजे का जो है वीडियो हमारा क्लियर करवाया गया है हमारे चैनल पर, तो आप चाहें तो वो प्रीवियस वीडियोस जाकर देख सकते हैं। मैं हमेशा आप लोग को यही बोलती हूँ कि चारों स्टेजेस का एज जरूर याद कीजिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है इसी से बनते हैं। तो संवेदी क्रियात्मक का जो है एज क्या हो जाता है, आप बताइए, आपको पता हो? तो जन्म से 2 वर्ष, 0 से 2 वर्ष तक जो है सेंसरी मोटर स्टेज रहता है। कौन सा रहता है? सेंसरी मोटर स्टेज अकॉर्डिंग टू पियाजे। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। इसका आंसर फ्रेंड्स कौन सा हुआ? ए नंबर हुआ। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि 6 नंबर में, बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है। जो हम अगर बच्चे में मोरल डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट वे क्या है? देखिए, ये इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं ना, जिसमें आंसर अलग अलग हो सकता है, इस टाइप के क्वेश्चन में ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है आंसर होता है। तो इसमें चारों ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ना जरूरी है। कभी कभी होता है कि चारों के चारों सही होते हैं, लेकिन आपको चूज एक ही करना है जो कि मोस्ट एप्रोप्रिएट रहे। तो इसमें देखिए, उन्हें धार्मिक पुस्तक पढ़ाना तो उसका क्या नैतिकता बढ़ेगी, ये है। शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना, या उनका मूल्य शिक्षा पर मूल्यांकन करना, या उन्हें प्रातःकालीन सभा में उपदेश देना। तो बच्चे का अगर हम नैतिक विकास करना चाहते हैं, तो एक बात मैं आपको बताऊं जो कि आप एकदम अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा, जो बच्चे होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, चाहे आप मिडिल स्कूल तक के बच्चे को बोल सकते हैं या फिर आप स्कूल तक के पूरे बच्चे को बोल सकते हैं, वो अपने टीचर्स को बहुत मानते हैं, वो अपने टीचर्स को बहुत फॉलो करते हैं। तो अगर आप उनमें उनका विकास करना चाहते हो, किसी भी तरह का विकास करना चाहते हो, चाहे चारित्रिक हो, चाहे किसी भी तरीके से हो, तो टीचर्स को जो है पहले अपने आप में वैसा डेवलपमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे आपको फॉलो करते हैं, आपको इमिटेट करते हैं, आपकी नकल करते हैं। तो इसका जो ऑप्शन आपको दिख रहा है कि शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा कि टीचर को ही आइडियल रूप अपना दिखाना, आइडियल रूप में बिहेव करना, जिससे कि बच्चे भी उसको फॉलो करें। सबसे बेस्ट वे ये होता है ये बच्चों में जो है, चाहे नैतिकता की स्थापना करने बोलिए या किसी भी तरह का अगर आप उनमें विकास करना चाहते हो, तो ऐसा आप करने लगी, आपको फॉलो करके आपके स्टूडेंट्स करने लगेंगे। तो ये हुआ 6 नंबर। 7 नंबर, यहाँ पे 6 नंबर का आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा। 7 नंबर है, एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है। तो जो एक अच्छा टीचर होता है, जो टीचर अच्छा होता है, वो स्टूडेंट्स के बीच में किस चीज़ को जो है इनकरेज करता है? तो जाहिर सी बात है, जो एक अच्छा टीचर होगा, बच्चों के बीच में सहयोग की भावना को बढ़ावा देगा, कोऑपरेट करने की भावना को बढ़ावा देगा। तो ये इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? बी नंबर। ठीक है, अब आइए 8 नंबर देखते हैं। 6 से 14 वर्ष के बीच के आयु के बच्चों को एक मौलिक अधिकार के रूप में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने के उद्देश्य से सर्व शिक्षा अभियान स्टार्ट किया गया था। इसका ईयर कौन सा था? तो मैं बता दूं, सर्व शिक्षा अभियान, ऐसे तो बहुत पहले से ये बात चल रही थी कि बच्चों को जो है फ्री एजुकेशन देने की, लेकिन जो 2001 में सर्व शिक्षा अभियान SSA को स्टार्ट किया गया, तब से जो है ये रूल बहुत ही अच्छे से इम्प्लीमेंट भी हुआ। तो इसका जो है फ़ायदा हमारे देश में बहुत देखने को मिला। इसके बाद जो है SSA 2, जो कि इसका नाम चेंज करके भी आया, ये सेकेंडरी के लिए लाया गया, माध्यमिक शिक्षा के लिए भी लाया गया था ऐसा।
तो इसका जो स्टार्टिंग अगर मैं बोलूँ तो ये हुआ है 2001 में, ठीक है, इसका स्टार्टिंग 2001 में हुआ है। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं, विद्यार्थियों की प्रशंसा की जानी चाहिए, ये बात याद रखिएगा, आप अपने स्टूडेंट्स को अप्रिसिएट कीजिएगा तो सभी के बीच में कीजिएगा, और अगर उसको कुछ समझाना है या डांटना है तो वो अकेले में कीजिएगा, एक ये रूल है आजकल के बच्चों को हैंडल करने का। तो इसमें क्या आ जाएगा कि लोगों के बीच में अप्रिसिएशन लोगों के बीच में होना चाहिए, और अगर समझाना या डांटना है तो अकेले में होना चाहिए, ठीक है, 9 नंबर हो गया। 10th नंबर है, छात्रों के सही मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है। अगर बच्चों के हम मूल्यांकन की बात करें, इवेल्युएशन की बात करें, तो इसमें से कौन सी विधि जो है सबसे बेस्ट है बच्चों के लिए, तो इसमें से आपका जो है सतत मूल्यांकन यानी कि कंटिन्यूअस इवेल्युएशन जो है बेस्ट होता है। उसमें टाइम टू टाइम पे जो है बच्चों का इवेल्युएशन होते रहना चाहिए, ताकि टीचर्स को भी बच्चों की कमियाँ पता चले एंड बच्चे भी अपनी कमियों के ऊपर काम कर सके और टीचर भी। तो ये 10th नंबर हो गया। 11th है, कोई व्यक्ति एक प्रभावकारी तरीके से एक हुनर कैसे सीख सकता है। कोई भी हुनर या कोई स्किल अगर बच्चे को सीखना है, किसी भी इंसान को सीखना है, तो कैसे सीख सकता है। तो फ्रेंड्स, जैसे आप जानते हो आजकल हम जो एजुकेशन फॉलो करते हैं वो है लर्निंग बाय डूइंग। कोई भी इंसान अगर कोई काम करना चाहता है, बहुत अच्छे तरीके से सीखना चाहता है, तो उसको खुद से करके सीखना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर, लर्निंग बाय डूइंग मेथड को फॉलो करते हुए खुद करके सीखना। स्फूर्ति अवस्था कहा जाता है, किस अवस्था को, शैश्य, किशोरा, बाल्या या प्रौढ़ावस्था में से किसको जो है स्फूर्ति अवस्था कहा जाता है। तो ऐसा आपने सुना होगा, आपके पेरेंट्स भी आपको ये बात बोलते होंगे, बाल्य अवस्था को स्फूर्ति, उस समय बच्चों में बहुत एनर्जी रहती है, बहुत कुछ करना चाहते हैं, क्यूरियस भी बहुत रहते हैं, तो स्फूर्ति अवस्था बाल्य अवस्था को कहते हैं। मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है। मानव विकास यानी कि डेवलपमेंट का सिद्धांत याद कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा। तो ये डेवलपमेंट के सिद्धांत से है, डेवलपमेंट के प्रिंसिपल से ये क्वेश्चन है। विकास पूर्वानुमेय होता है, तो एक सिस्टम बना हुआ रहता है, एक पैटर्न बना हुआ रहता है, विकास उसी के अकॉर्डिंग होता है। किसी बच्चे का ज़्यादा होता है, किसी का कम होता है, लेकिन होता उसी के अकॉर्डिंग है। दूसरा है, विकास से सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। हाँ, विकास हमेशा जनरल टू स्पेसिफिक चलता है, ये भी सही है, सिद्धांत है, ये सारे के सारे डेवलपमेंट के सिद्धांत है, प्रिंसिपल है। विकास रेखीय होता है, तो नहीं, बिल्कुल नहीं, विकास रेखीय नहीं होता है। विकास जो है हर किसी में अलग अलग होता है, किसी में ज़्यादा होता है, किसी में कम होता है, तो इसको हम रेखीय जो है नहीं बोल सकते हैं। तो आंसर इसमें कौन सा कथन गलत है बोला गया, तो आंसर सी नंबर जो है गलत हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए, शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। शैशवावस्था की विशेषता इसमें से कौन सी नहीं है, शारीरिक विकास तो शैशवावस्था में तो तीव्रता से होता है, दूसरों पर निर्भरता तो शैशवावस्था में बच्चे दूसरों पर ही निर्भर रहते हैं, अपने पेरेंट्स पर निर्भर रहते हैं, नैतिकता का विकास होना, तो नहीं, बिल्कुल नहीं, शैशवावस्था में जो है नैतिकता का विकास नहीं होता है। मोरल डेवलपमेंट की बात हो रही है, बच्चे को क्या पता क्या सही है क्या गलत है, वो तो छोटा सा है, तो इसीलिए मोरालिटी का डेवलपमेंट विकास जो है बच्चे में नहीं होता है शैशवावस्था में। निचली कक्षाओं में खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है, किस चीज़ पे आधारित है, जो हम खेल पद्धति यानी कि लर्निंग बाय प्लेइंग जो स्टार्ट करते हैं, किस चीज़ पर आधारित है। पहला आपका है विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, दूसरा जो है आपका शिक्षण, दूसरा जो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ शिक्षण के समाजशास्त्रीय सिद्धांत पर, या फिर आपका जो है बोल सकते हैं शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रम सिद्धांत पर, या शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांत पर। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं इसको बता दूं, जो लर्निंग बाय डूइंग का हमारा फॉर्मूला है जो हम यूज़ करते हैं, उसी का एक थोड़ा सा अपग्रेडेड फॉर्मूला है जो कि अभी हम यूज़ भी कर रहे हैं, इसको हम बोलते हैं लर्निंग बाय प्लेइंग। तो ये पूछा जा रहा है कि ये किस प्रिंसिपल पर जो है, तो ये अगर आपको अगर पता हो तो हम किस लिए ऐसा करते हैं, तो डेवलपमेंट के लिए करते हैं, और हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम बच्चों का दिमाग समझते हैं कि बच्चे को जो है खेल करके सीखना पसंद है, तो उसके साइकोलॉजिकल वे को देख करके ये बनाया गया है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ए नंबर होगा, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। ये किस सिद्धांत पर आधारित है, तो विकास पे और मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पे, ठीक है, ए नंबर हो गया इसका आंसर।
लॉरेंस कोलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। लॉरेंस कोलबर्ग का थ्योरी अगर आपको पता हो तो लॉरेंस कोलबर्ग जो है पाइगेट की थ्योरी को सपोर्ट करते हैं और साथ ही उन्हीं की थ्योरी को आगे बढ़ा करके उन्होंने अपनी एक थ्योरी दी थी, मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी नैतिकता के बारे में। तो उनकी थ्योरी किसके बारे में थी? डी नंबर आंसर हो जाएगा, नैतिकता, मोरल डेवलपमेंट के बारे में, जिसमें हिंस डायलेमा था। हिंस एक आदमी था, जैसे कैसे वो सही वो चोरी करता है और फिर हर एक आदमी के लिए वो चोरी सही है और किसी के लिए गलत है, क्योंकि अपनी वाइफ का जान बचाने के लिए उसने किया था। तो कोई यही सोचेगा किसी के जान बचाने के लिए अगर चोरी की जाती है तो वो सही है, कोई बोलेगा नहीं चोरी तो चोरी है, वो सही नहीं हो सकती है। तो इस तरह से जो है इन्होंने अपना एक थ्योरी दिया था लॉरेंस कोलबर्ग ने। 17 नंबर है, डैश की अवस्था तक बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां पूर्ण विकसित होती हैं। जो हमारा दृष्टि, जो हमारा आँख है, जो हमारा सुनने की शक्ति है, ये किस अवस्था में जो है अच्छी तरीके से विकसित हो जाती है, एज क्या होता है? तो मैं बता दूं फ्रेंड्स, इसका एज जो आप लोगों का होगा 8 से 9 वर्ष होगा। 8 से 9 साल में जो है बच्चे का आँख, हम लोग का जो है पूरी तरह से देखने की शक्ति अच्छे से डेवलप हो जाती है, सुनने की शक्ति डेवलप हो जाती है। तो इसका आंसर जो है सी नंबर हो जाएगा। इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति अधिक होती है। बच्चे ना बहुत ज़्यादा खोज करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा जो है नया नया सीखना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, नए नए जगह को देखना चाहते हैं। ये कौन से एज में, कौन से स्टेजेस में होता है? शैशव अवस्था में, उत्तर बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में या प्रौढ़ावस्था में? जैसे मैंने आपको बताया भी कि बाल्यावस्था में दो होता है, एक पूर्व बाल्यावस्था, एक उत्तर बाल्यावस्था। तो याद रखिएगा, उत्तर बाल्यावस्था में बच्चे जो बहुत जिज्ञासु रहते हैं, उनको हर जगह एक्सप्लोर करना रहता है, सब कुछ जानना रहता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। छोटा शिशु खिलौने तथा अन्य वस्तुओं को फेंक कर उसके भावों को अलग करके किस भाव को दर्शाता है? छोटे बच्चे कुछ कुछ होते हैं ना, तो आप देखेंगे उनको आप जो सामान दोगे उसको या तो तोड़ेंगे या फेंकेंगे या उसके अंदर देखेंगे कि क्या है, कैसे बना है। तो जब ऐसा बच्चा अगर करता है तो किस चीज़ को वो दिखाना चाहता है, किस भावना को दिखाना चाहता है? तो पर निर्भरता यानी कि किसी के ऊपर निर्भर है वो चीज़, या स्वप्रेम की भावना, या जिज्ञासा की प्रवृत्ति, या दोहराने की प्रवृत्ति? तो जिज्ञासा यानी क्यूरियसिटी को दिखाता है किसी भी चीज़ को जानने के लिए। तो क्या हो जाएगा? जिज्ञासा प्रवृत्ति, ठीक है। 20 नंबर आइए, बाल विकास का सही क्रम क्या है? जो विकास होता है उसका सही क्रम क्या है? तो देखिए, ऐसे में आपको बताती हूँ, शैशवावस्था पहले आता है, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था एंड किशोरावस्था, इतना हमें पढ़ना है इसलिए, ठीक है। अब इसमें देखिए कौन सा क्रम सही है, तो आप देखेंगे तो ये आपको सी नंबर, यानी देखिए पूर्व किशोरावस्था पहले दे दिया है तो ये तो होगा ही नहीं, प्रौढ़ावस्था दिया है तो ये भी नहीं होगा, प्रौढ़ावस्था किशोरावस्था के बाद आता है तो ये भी नहीं होगा, सी नंबर होगा, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था, इसका सीक्वेंस ऐसे ही चलता है, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? सी नंबर। सो फ्रेंड्स, ये 20 क्वेश्चन इसलिए मैं लेकर आई ताकि मैं इसको समझा पाऊँ आप लोगों को कि हर एक क्वेश्चन का कहाँ से लिया गया है, कौन सा कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर रहेगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपने उसको सब्जेक्टिव किया है तो फिर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, अगर आपने सब्जेक्टिव नहीं किया है तो फिर आपको सिर्फ रटना एंड रटना रहेगा, उसके अलावा आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो इस तरह से ये क्वेश्चन का आंसर जो मैं आप लोगों के लेकर आई, आई होप कि आप लोगों के लिए यूज़फुल हो और आप इसको जो है अच्छे से समझे और समझे कि सब्जेक्टिव समझना, कॉन्सेप्ट को क्लियर करना कितना ज़रूरी है। तो चलिए फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, जो कि मैं आप लोगों के लिए फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आऊँगी, MCQ ही लेकर आऊँगी। टिल देन हैव अ नाइस डे।